कोरोना महामारी के समय फेफड़ों की संक्रमण के कारण अनेकों लोगों की मृत्यु हुई। उस समय से फेफड़े में संक्रमण फैलने वाले अन्य कारणों पर भी चिकित्सकों को शोध करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के चेस्ट एवं टीबी विभाग से जुड़े हुए चिकित्सकों की टीम ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी मिश्रा के नेतृत्व में जब शोध करना प्रारंभ किया तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आई कि लंग्स फाइब्रोसिस जैसी बीमारी के वाहक कबूतर और चिड़िया की बीट है। इसके साथ ही खेती किसान में काम करने वाले लोगों को वहां से निकलने वाली धूल और गंदगी भी फेफड़ों को प्रभावित कर रही है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि लंग्स फाइब्रोसिस की बीमारी कबूतर की वजह से हो रही है। इसमें भी उनके बीट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं डॉक्टरों का क्या कहना है। आप हमें इधर देखिए, इस लंग्स फाइब्रोसिस में खासकर कबूतर ही वजह क्यों बना सर, क्या कहेंगे? कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कोई पालता नहीं है और पहले के जमाने में गौरैया घरों में रहती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट और बदलते पर्यावरण की वजह से आजकल कबूतर हर घर में मिल रहे हैं और जहाँ कबूतर रहते हैं वो घोंसला बना के कई कबूतर घर उसी जगह रहते हैं और वो बाहर कम जाते हैं। कबूतर पक्षी ऐसा होता है जो बाहर हवा में बहुत कम उड़ता है, अधिकतर वो अपने वहीं जो घरों में ही घुसा रहता है। इसकी वजह से उसके जो बीट का एक्सपोजर है वो लगभग 2400 घंटे मरीज को होता रहता है। बाकी पक्षी दिन में उड़ जाएंगे, रात में आएंगे तो उनका एक्सपोजर खाली उतना ही दूर होगा जब वो पक्षी जब रात में आएंगे, लेकिन कबूतर क्योंकि अधिकतर समय अपने घोंसलों में ही बिताते हैं और अब घरों में ही लोगों के रहते हैं तो उनका एक्सपोजर जो है लोगों को ज़्यादा होता है। और यह देखा गया है कबूतर अधिकतर घर के अंदर रहते हैं, घरों में अपना जो है वो आवास बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, जबकि आप देखेंगे बाकी पक्षियाँ जो है वो पेड़ों पर रहती हैं। तो इसीलिए मनुष्य का जो एक्सपोजर है वो कबूतरों से आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कबूतर के बीट से हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस ज़्यादा पाई जाती है। मतलब लंग्स फाइब्रोसिस। जी, लंग्स फाइब्रोसिस का जो मुख्य कारण हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है पूर्वांचल में, वह कबूतरों के बीट के एक्सपोजर से ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है।